Hello friends, welcome back in the lesson 4 of how to identify the difficult words. Okay, so you must have seen the previous videos, lesson 1, 2 and 3. If you have not seen this video, I request you to watch these videos as well so that कि you can learn the things nicely. कि जो चीज़ें मैंने आपको समझानी है कि words को identify कैसे करते हैं, recognize कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से clear हो जाएंगी अगर आप इन चारों videos को देखेंगे इकट्ठे, राइट? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्ब है और एडवर्ब है उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है. पहले हमने डिस्कस किया था नाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. आज हम देखेंगे वर्ब. सो वर्ब की पहचान करने के लिए अगर हम फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ एट, ATE. जिस वर्ड के लास्ट में एट लगा हुआ होगा वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे? वर्ब ही होंगे. For example, complicate. Then we have dominate, irritate, regulate, eradicate, enunciate, repudiate. ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? वर्ब हैं. अब होता क्या है कि जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इनके लास्ट में डी भी लग जाता है और उस अकॉर्डिंग सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो वो भी अपने माइंड में रखना है कि ATE लगा हुआ है या डी भी लगा हुआ है, राइट? अगर जैसे हम इसको करते हैं कई बार कॉम्प्लिकेटेड, डोमिनेटेड, इरिटेटेड, रेगुलेटेड, इरेडिकेटेड, इनंशिएटेड, रेपुडिएटेड, तो इनके थर्ड फॉर्म में इनके साथ ED लग जाता है, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है. द नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन वी हैव इज EN. तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में EN लगा हुआ होगा तो वो वर्ड भी क्या होगा? वर्ब होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हार्डन, सॉफन, शॉर्टन, फैसन, एनलाइटन, अवेकन, स्ट्रेंथन. तो ये सारे के सारे वर्ड जिनके लास्ट में EN लगा है ये भी क्या है? ये भी सारे हमारे पास वर्ब हैं, ठीक है. थर्ड वी हैव इज IFY, IFY. जिसके लास्ट में IFY लगता है वो भी क्या होता है? वर्ब होता है. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. क्लेरिफाई. सो क्लेरिफाई, क्लियर के साथ IFY लग गया, क्या बन गया? वर्ब. क्लेरिफाई, आइडेंटिफाई, ब्यूटीफाई, टेरिफाई, सेटिस्फाई, रेक्टिफाई, एग्जेम्प्लीफाई. इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं जो आप खुद अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हो. तो जब आप इनको आइडेंटिफाई करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपने लिए होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा रिकॉल करने के लिए कि क्या है. Fourth and the last we have is eyes, ISE or IZE. So this is the difference in British and American English. Otherwise both of the meanings are same. जो Britishers हैं वो ISE लगाते हैं और जो American English है उसमें IZE लगाया जाता है. तो meaning सेम ही है, spellings भी सेम रहती है, सिर्फ इसी word का difference है. Like realize, it can be with Z also, right? Realize, economize, industrialize, civilize, valorize, socialize, humanize, finalize, emphasize, standardize. तो ये जो सारे के सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में ISE लगा हुआ है ये भी वर्ब हैं, ठीक है. सो आई होप कि काफ़ी हेल्प मिलेगी. अब आपको वर्ड आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल नहीं होगा. अगर किसी के लास्ट में 8 है तो वो वर्ब होगा, EN है तो वो वर्ड होगा, वर्ब होगा, IFY है वो भी वर्ब होगा, और इसके अलावा अगर किसी के लास्ट में ISE है तो ये क्या होंगे? वर्ब. इस तरीके से आप वर्ब को पहचान कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब. ओके, सो एडवर्ब, जितने भी एडवर्ब हमारे पास आते हैं PTE रीडिंग के अंदर, PTE रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें जितने भी एडवर्ब्स आते हैं वो सारे के सारे किस पे एंड होते हैं? LY. तो LY वाले ही एडवर्ब्स हमारे पास आते हैं. हालांकि एडवर्ब इज़ अ क्वाइट लॉन्ग चैप्टर कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकते हैं, मैनर भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एडवर्ब से रिलेटेड. लेकिन अगर आपने एडवर्ब फाइंड आउट करना है तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है LY. जहाँ LY लग गया वो एडवर्ब ही होगा. फॉर एग्जाम्पल कामली, क्विकली, एक्सीडेंटली, विशफुली, ग्रिमली, specifically, completely, generally. We have another easily, secretly, quietly, eagerly, remotely, weakly, extremely, frequently. तो जिसके लास्ट में LY लग गया वो क्या होगा? वो एडवर्ब ही होगा. राइट तो एडवर्ब बहुत सारे हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो रीडिंग के ऊपर है. पीटीई रीडिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वर्ड्स. ओके, सो आई होप कि ये जो वीडियोस हैं ये सारे आपको हेल्प करेंगी. जो 4 लेसन्स हैं आई होप कि आपने सारे देखे होंगे. लेसन 1 2 3 4 जिसमें हमने डिस्कस किया है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को. ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी आपके पास नए वर्ड्स आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कोई और भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट फॉर दैट. ओके, सो कीप लर्निंग विद मी. ऑल द बेस्ट.